कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने बताए थे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो में पूरा आपके पंचायत के जितने भी लिस्ट हैं वो निकाल के आ जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये नया तरीका है जिसमें आप केवल अपने गांव के लिस्ट को आप देख सकते हैं, वो भी लेटेस्ट जो अभी जो जैसे कि 19-20 या फिर 20-21 के जो लेटेस्ट है वही सब आपके गांव के जितने भी जिसके जिसके आए हैं वो सब देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि अगर अंत तक आप देखेंगे नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अगर गलत करेंगे तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आप किस तरह से नया लिस्ट में अपना ग्राम के केवल ग्राम के लिस्ट को देख सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है PMAYG.NIC.IN। इस वेबसाइट में आ जाना है। ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की एक वेबसाइट है, इसमें आ जाएंगे। आने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बताए थे कि आपको आवास स्वप्न में आपको क्लिक करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में आवास स्वप्न में क्लिक नहीं करेंगे हम लोग। इसमें किसमें ये जो स्टेक होल्डर्स है इसमें हम लोग सिंपल से क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नंबर में IAOI PMAYG बेनिफिशरी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंदिरा आवास योजना पहले था लेकिन अभी ये हो गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बेनिफिशरी। तो इसमें आपको सिंपल से आके क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। नया पेज खुल के आने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। तो चूंकि मेरे पास अभी रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एडवांस सर्च। तो इसमें आपको सिंपल से क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको आ जाएगा। ये फॉर्म फिल कर देना है यहाँ पर, जैसे कि आपका स्टेट यहाँ पर आपको चूज़ करना है सबसे पहले। तो चलिए मैं चूज़ कर लेता हूँ अपना स्टेट। यहाँ पर मैं अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका पंचायत जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्कीम नेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कीम नेम आ गया है इस जगह में। तो यहाँ पर आपको कुछ चूज नहीं करना है, सिंपल ऐसे रख देना है सिलेक्ट में, या फिर आप चूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो आपका करंट चल रहा है या फिर जिस जो जिस साल का भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं 19-20 का आप सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्च बाय नेम, यानी कि आप नाम से भी सर्च करके आप पता लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अप्लाई किए हैं तो उसका अगर नाम पता है या फिर BPL नंबर पता है तो उसका आप सर्च करके उसका देख सकते हैं। तो हम लोग पूरा गाँव का देखना चाहते हैं तो इसलिए हम लोग सर्च नाम नहीं करेंगे, उसके बाद BPL नंबर भी नहीं डालेंगे, पूरा गांव का देखना चाहते हैं। तो आपको सिंपल से ऐसे ही रह देना है, इसमें कुछ नहीं करना है चिटचाट। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सर्च का ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में ये पूरा खुल के आ गया है। यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 जन का अभी तक आया है, यानी कि 19-20 में ज़्यादा कोई का नहीं होता। यहाँ से आप इस तरह से अपने गांव के अगर किसी का भी आया होगा तो यहाँ से आप नाम खोज के निकाल सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताए थे तो उसमें पूरा लिस्ट निकाल के आ जाता था, उसमें खोजने में दिक्कत होता था क्योंकि वो पूरा पंचायत का आपका जितना भी है वो उसमें दिखाता था। तो इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो आसानी से आप अपने गाँव का किसका किसका आया है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 और 2020 में टोटल 4 जन का आया है, और यहाँ से आपका 4 जन में से ये जो कंप्लीटेड दिखा रहा है 2019-20 में ये कंप्लीटेड हो चुका है, यानी कि घर बन चुका है
और उसको पूरा फुल पेमेंट भी रिलीज कर दिया गया है 130,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी का भी चेक कर सकते हैं नाम से भी सर्च करके। यहाँ BPL नंबर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अमाउंट रिलीज भी हो गया है। बेनिफिशियरी आईडी, बेनिफिशियरी नेम, किस किस का नाम पे है यहाँ पर, उसके बाद उसका पिताजी का नाम, इस तरह से पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाइए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करके रिसर्च करते हैं उसके बाद वीडियो बनाते हैं, तो इतना तो बनता है, लाइक बनता है। तो इस तरह से लाइक दीजिए और सब्सक्राइब भी, अगर हमारे चैनल को अभी किया नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।